हाय गाइस, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बनाई हूँ सिंपल डिनर थाली, जो रात के टाइम पर वो भी बहुत ही जल्दी फटाफट बनाने वाली थी, लेट हो चुकी थी, शाम की 7 बज चुकी थी। इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल और वो भी एक ही आइटम बना के बना दी थी खाना। तो इसके लिए मेरे पास अवेलेबल था वो बढ़िया और आलू टमाटर बैंगन। तो मैं फटाफट आलू टमाटर ले आई, आलू को छील दी और प्याज काट के रख दी, और टमाटर लहसुन को भी अदरक छील के डायरेक्ट मसाला दे के ही बना दूँगी, वो भी कुकर में। तो लहसुन छील दी और सारे सब्जियाँ छील के रख दी, और अदरक 1 इंच का वो भी छील के धो के ले ली, और प्याज एक टुकड़े टुकड़े करके काट के रख दूंगी, और अदरक लहसुन को भी कूट दी हूँ, मसाला पीसी नहीं हूँ, जो कि मुझे फटाफट बनाना था। और 2 हरी मिर्च भी ले ली हूँ, और आलू को भी काट दी हूँ, और 1 रिंगन पड़ा था वो भी फटाफट से काट दी हूँ। रिंगन काटने के बाद टमाटर को भी काट के रख दूंगी, उसके बाद सब्जी चढ़ाऊंगी। टमाटर की पीछे के हिस्से में काट देती हूँ, क्योंकि उसे खाने से स्टोन होता है बोलते हैं। और टमाटर अदरक प्याज लहसुन सब रेडी हो गया। अभी गैस में कुकर चढ़ा दी हूँ और तेल डाल के, और बढ़िया 2-3 मुट्ठी मैंने डाल के उसको गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करना है। और जैसे ही वो फ्राई हो जाएगी तो उसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। फिर उसी तेल में ही मैंने जीरा राय ऐड करके सारे प्याज लहसुन अदरक को डाल के फ्राई कर लूँगी। अब जीरा फ्राई हो गया और प्याज अदरक लहसुन भी डाल के उसको अच्छी तरह से भून लूँगी, जब तक अदरक लहसुन की स्मेल ना जाए। उसको भी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सारे टमाटर जो काट के रखी थी वो भी ऐड कर दूंगी, और इसी तेल में ही सारे मसाले ऐड कर देंगे, वो भी हल्दी पाउडर 1 स्पून और गरम मसाला पाउडर 2 स्पून और मिर्ची पाउडर 1 स्पून और नमक स्वादानुसार ऐड करके मसाले को अच्छी तरह से सबको एक साथ भून लूँगी। और इसके बाद मसाला 5 मिनट के भूनने के बाद आलू ब्रिंगम जो काट के रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह भून लूँगी, और उसके बाद इस सबको जब भी भून लूँगी उसके बाद वो बढ़िया भी डाल के भून के उसके अंदर पानी ऐड करके सीटी लगा देंगे। अभी ये बड़ी भी ऐड कर देती हूँ और इसको भी 2 मिनट तक चला देती हूँ। उसके बाद पानी उसमें सब्जी के ऊपर आने तक पानी 2 ग्लास ऐड कर दी हूँ, और अभी उसमें ढक्कन लगा दे के सीटी लगा देंगे 2 सीटी आने तक। फिर मैंने आटा गूंध के रखी थी, उसको भी अच्छी तरह मसल के अभी रोटी सेकने लोहे बना दूंगी छोटे छोटे, और रोटी बेल के रोटी सेक लूँगी। तो खाली रोटी सब्जी बनाई तो इसके लिए जल्दी हो गई। तो अभी रोटी भी मैंने बेल दी हूँ और तवा गर्म थी, तो रोटी को भी सेक के निकाल दूँगी। रोटियाँ अच्छे थोड़े देर पहले से ही अगर गूंथ के रख दो और रोटी सेक लो ऐसे डायरेक्ट चूल्हे में ही, तो अच्छे से ही रोटियां फूली फूली बनती है। तो सारी रोटियां मेरी ऐसे गैस में डायरेक्ट डालो तो फूली फूली रोटी बनती है। अभी रोटियां भी सेकना हो जाएगी तो सब्जियां उधर भी सीटी आ जाएगी, तो बंद करके रख देंगे। फिर उसका सीटी निकाल के सब्जी रोटी के संग थाली लगाएंगे। अभी इसका सीटी भी आके चला गया है, अभी इसको निकाल देते हैं। सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है,
अभी इसके अंदर थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके रखेंगे। और मैंने खाने के संग रोटी सब्जी और सलाद के लिए काकड़ी थी घर पे, काकड़ी भी काट के छील के उसको भी छोटे छोटे पीस में कट कर दूंगी और सलाद रेडी कर दूंगी। काकड़ी, प्याज, मिर्ची सब काट के सलाद रेडी हो जाएगा। और दही नहीं थी इसके लिए टमाटर भी ऐड कर दी, टमाटर, हरी मिर्ची, काकड़ी और उसके ऊपर नींबू और नमक डाल के सलाद बना दूंगी। और अभी ये भी हो गया सलाद रेडी। और सलाद रेडी होने के बाद मैंने थाली रेडी कर दूंगी खाने के लिए, वो भी डिनर थाली जो भी रात को ही। और ये मेरी रेडी हो गई सलाद। और मेरे पास काला नमक था वो भी डाल दी थोड़ी, सलाद में काला नमक डाल दो तो और टेस्टी आता है। और अभी थाली लगा दी मैंने, एक कटोरी में एक सब्जी और सलाद ले ली और रोटी ले लूँगी। और खाना खाने के बाद थोड़ी सी मिठाई खाने के लिए, घर पे मिठाई थी वो भी ले ली, बेसन की मिठाई। और मेरे रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल में नई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स।